नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार बेशक बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अटकलों का बाजार जो है थम नहीं रहा है। जैसे ही विधायकों को शपथ दिलाने के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया गया, महागठबंधन से की तरफ से 19 लाख रोजगार के सवाल पूछे जाने लगे। पहले ही तेजस्वी यादव ये क्लियर कर चुके हैं कि हम नीतीश कुमार को चैन से नहीं बैठने देंगे। पहले मेवालाल चौधरी की इस्तीफा कराया और अब जो है रोजगार पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और महागठबंधन ये मान के चल रहा है कि ये सरकार जो है बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, लिहाजा वो सरकार बनाने की अभी से तैयारी में भी जुटा हुआ है। आपको याद होगा कि उस समय भी हम और वीआईपी पे डोरे डाले जा रहे थे। और राजनीति में क्या होता है कि कभी भी कोई संभावनाओं के द्वार जो है बंद नहीं होते, हमेशा खुले रहते हैं। तो ऐसे में जब बीजेपी ने दो पिछड़ी जातियों के डिप्टी सीएम बना दिए, तारकिशोर प्रसाद और उधर जो है रेणु देवी को, तो सबसे अहम जो अब पोस्ट हो गया है वो हो गया है स्पीकर का। चूंकि 74 सीटें विधानसभा में जीत करके बीजेपी पहुंची है इस बार, तो माना ये जा रहा है कि स्पीकर का जो पोस्ट है वो बीजेपी के खाते में आएगा। अब सवाल ये उभर रहा था कि क्या बीजेपी का स्पीकर नंद किशोर यादव को बनाया जाएगा या और किसी को बनाया जाएगा जो पुराने नेता हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है नंद किशोर यादव का ही नाम उभरा। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीती रात जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें सीनियर नेता भी मौजूद थे, और तय ये हुआ है कि विजय कुमार सिन्हा जो लखीसराय से विधायक हैं उनको जो है स्पीकर बनाया जाएगा। पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे। तो ये इसलिए ऐसा डिसीजन लिया गया क्योंकि दो पोस्ट पिछड़ों को जा चुकी है, यदि सवर्ण के नहीं ले आएंगे तो फिर उसमें गलत संदेश चला जाएगा। तो इन पार्टियों को जो है जाति समीकरण भी साधने होते हैं, इसलिए इसके मद्देनज़र ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अब इससे आगे की राजनीति देखिए, बीजेपी स्पीकर क्यों चाहती है, क्योंकि आगे बीजेपी को भी लग रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कुछ डेवलपमेंट होंगे और बीजेपी जब अपनी सरकार बनाना चाहे तो स्पीकर का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। आपने ये देखा होगा, कर्नाटक में भी देखा होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखा होगा, क्योंकि उस समय जो है बहुत कुछ स्पीकर पर डिपेंड करता है, तो इस नाते भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीच में क्या खबर आने लगी थी कि जैसे ही नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को प्रोटेम स्पीकर बनाया, वो पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो एक अटकल ये भी लगने लगी थी कि नीतीश कुमार की जो इस बार स्थिति है उससे वो बहुत संतुष्ट नहीं है और वो इस बात पे दांव लगा सकते हैं कि इन्हीं को आप स्पीकर बनाइए, और इस दांव से वो विपक्ष के साथ साथ बीजेपी को पे भी तीर चलाएंगे। तीर जनता दल का चुनाव चिन्ह है, चूंकि वो दलित समुदाय मुसहर समुदाय से आते हैं, इसलिए किसी के लिए भी उनको नकारना जो है मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जीतन राम मांझी के चार विधायक पहुंचे हैं, उनके बेटे सुमन को मंत्री बनाया जा चुका है, इसलिए इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन ये लग रहा था कि चूंकि दलित फेस हैं, पुराने चेहरे हैं, इसलिए नीतीश कुमार दांव खेल सकते हैं। तो क्या स्पीकर को लेकर के इतनी जल्दी सरकार बनी है, बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ जाएगी, लग नहीं रहा था। लेकिन ये भी चर्चा का दौर चल रहा था। इसी बीच अब खबर आ रही है कि विजय सिन्हा का पिक किया है बीजेपी ने और उनको स्पीकर बनाएगी, तो संभवतः अब वही होंगे। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई नाम उभर करके सामने आता है तो उसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो जाती है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये खबर आ रही है कि ऐसा तय हुआ है। अब देखना ये है कि इनका स्पीकर का जब चुनाव होता है, अब नॉमिनेशन करना है इनको, जैसे ही शपथ खत्म होगा विधायकों का वैसे ही स्पीकर के लिए नॉमिनेशन होगा, फिर स्पीकर चुना जाएगा। और चूंकि स्वाभाविक रूप से इन लोगों के साथ बहुमत है, तो जिसे भी बीजेपी और जेडीयू मिलकर के तय करेगी वो स्पीकर बन जाएगा। तो इस खबर पे हम नजर रखे हुए हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि अब जो है सवर्ण कोटे से जो है स्पीकर बनाया जाएगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।